28 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में नई गाइडलाइन जारी की गई है। ये गाइडलाइन क्या है देखिए। नई गाइडलाइन कोरोना के संबंध में आई है, उसमें चुनावी सभा में परिवर्तन हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में अब जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेगी। आपको सीधे